फिल्म गोलमाल से सबके दिलों में अपनी जगह बनाने वाली बिंदिया गोस्वामी की खूबसूरती का गुणगान हर कोई करता था। एक तरफ लोग उनके दीवाने थे, वहीं दूसरी तरफ एक हीरो था जिस पर वो मर मिटी थी। वो कोई और नहीं बल्कि विनोद मेहरा थे। जी हाँ, विनोद मेहरा पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन बिंदिया विनोद को देखते ही अपना दिल दे बैठी थी। कई फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया और काम करने के दौरान ही दोनों एक दूसरे के करीब आए। लेकिन एक दिन अचानक बिंदिया गोस्वामी और विनोद मेहरा के करीबी ने मीडिया में ये खबर फैला दी कि पहले से ही शादीशुदा विनोद मेहरा ने बिंदिया गोस्वामी से शादी कर ली है। अखबारों में तो ये बात आग की तरह फैल गई कि उन दोनों ने छुपके शादी कर ली। विनोद मेहरा की पत्नी मीना और उनके परिवार वालों को जब ये बात पता चली तो मीना के भाइयों ने विनोद और बिंदिया को धमकी दी कि अगर दोनों जल्द ही अलग नहीं हुए तो अंजाम बुरा होगा। बिंदिया ने विनोद से दूरी बना ली, उन्होंने विनोद से मिलना कम कर दिया। और फिर एक दिन अचानक बिंदिया गोस्वामी ने फिल्म मेकर जेपी दत्ता के साथ शादी कर ली और इस खबर से विनोद मेहरा को गहरा सदमा पहुंचा। उन्हें पता चला कि बिंदिया जेपी दत्ता को कई महीनों से डेट कर रही थी और फिर वो सोच में पड़ गए कि बिंदिया के लिए उन्होंने अपनी पत्नी मीना को छोड़कर घर से चले गए थे और वही बिंदिया किसी और के लिए उन्हें छोड़ के चली गई हैं।